Okay, ji. So, what do you want to do? So, there is a very simple problem which I would like to discuss. और इसके ऊपर बेस करके हम काफी मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? इट्स बेसिकली फाइंडिंग लॉन्गेस्ट पाथ, फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट पाथ इन इन 2D डैग. 2D डैग का मतलब है बेसिकली ग्रिड. ठीक है, ग्रिड वो भी डैग ग्रिड. ठीक है. अच्छा, इमेजिन द फॉलोइंग दैट एवरी सेल इज अ वर्टेक्स. ठीक है. अच्छा, और यहां से यहां तक जाने का एक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और वो ये है कि यहां से यहां तक मैं कितनी देर में पहुंच सकता हूं. लेट से मैं 1 यूनिट लेके पहुंच सकता हूं. ठीक है, यहां से यहां तक जाने में मैं 2 स्टेप लगेंगे. यहां से यहां तक जाने में लेट से जितनी भी डायगनल एजेस है वो ना 4 वेट की है. ठीक है, तो ये इसका वेट कितना है? इसका वेट 4 है, इसका वेट भी 4 है, इसका वेट भी 4 है, इसका वेट भी 4 है. ठीक है, और आपने एस से टी तक लॉन्गेस्ट पाथ भी निकाल सकते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो एंड द टॉप मोस्ट वर्टेक्स इज बेसिकली द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर द वर्टेक्स इज सोर्स वर्टेक्स कहते हैं. ठीक है, अब सवाल ये कि ये मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, कैसे निकालें? सो मैंने निकालना क्या, ये पहले देख लें. मैंने एस से टी तक का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, सो एस इज बेसिकली 0 0. सो मैंने डिस्टेंस निकालना है. सो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मुझे इसकी आपकी ना आपने मुझे रिकरेंस बता दी. तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 यानी एस यानी 0 0 टू डेस्टिनेशन टी, ये निकालना है आपने. जो बेसिकली क्या है, यहां पर 4 4 है. ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है. अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैंने इसकी रिकरेंस लिखने को मैं कहूं आपको, ठीक है ना, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां पर मौजूद हूं, यहां पर किन किन रास्तों से मैं आ सकता हूं? किन किन रास्तों से मैं आ सकता हूं? इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ, अ डैग. कहां कहां से एजेस एज आ सकती है? कौन कौन से आ सकती है? इसके नेबर्स, तो कौन कौन से नेबर्स है? 3 4 4 3 और क्या बस 3 4 है, 4 3 है और 2 3. नहीं, ये क्या है? इसी का ऑर्डर क्या है? 3 3. ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होना चाहिए? बेसिकली होना ये चाहिए कि मैंने जो ये डिस्टेंस निकालना है, सो अगर मैं इसकी रिकरेंस बनाऊं, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि मैं मैक्स निकालूंगा. ठीक है, किन के दरमियान में? कि भाई मुझे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो रिकर्जन ला के देगी 0 0 से लेकर कहां तक, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 3 नाम देता हूँ, डी वर्टेक्स वी वी कह देता हूँ, V33 कह देता हूं, V33 प्लस 4. प्लस 4 क्यों? यहां से मैं डायरेक्टली यहां पर आ गया. ठीक है, या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालो जो निकाला हो किसका, S से लेकर कहां तक, V34 का, और प्लस ये कौन सी वाली एज आएगी? यहां से मैं यहां आ रहा हूं, ये कौन सी एज होगी? 6 6. ठीक है, और फिर क्या होगा? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा? एस यानी 0 0 से लेकर वर्टेक्स कहां पर जाना है मैंने? 4 3 पे जाना है, और 4 3 से मैंने कितना कितना डिस्टेंस सेवा करना है? 9 डिस्टेंस को. तो इसमें से बेसिकली जो भी मिनिमम मैक्सिमम बनता है वो मेरा आंसर. अच्छा, अगर मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो तो उसकी रिकरेंस क्या होगी? कैलकुलेशन कर लेते, मैग्नेटा कर देते. शिवाजी 4 6 9 के हाँ क्या 4 6 और 9 ये क्या? ये आपके एडिस के वेट है जो यहाँ पे दिए हुए ना, ये इनके एडिस के वेट है, ये देख रहे हो.
ये फोर वेट है क्योंकि हर डायगोनल को मैंने फोर कहा है, ये एज का वेट सिक्स है और ये एज का वेट जो है वो नाइन है, ठीक है। तो ये वाला जो फोर आया है वो ये वाला फोर है, ठीक है, डायगोनल एज वाला जो थ्री थ्री से आगे आ रहा है, और ये जो सिक्स वाला एज है वो है जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो ये नाइन वाला एज है वो है जो कि हॉरिजेंटली यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। अच्छा आप मुझे कोई और बताइए कि अगर मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो वो कैसे निकालेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एस यानी जीरो जीरो से मैंने कहाँ जाना है जी, टी जो क्या है फोर फोर है, हाँ जी किसके बराबर होगा, हाँ जी रिकरेंस बताए कोई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम, वेरी गुड मिनिमम, और ये हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो कहां से कहां तक और उसमें प्लस फोर करो, कहां से कहां तक इसमें प्लस सिक्स करो, कहां से कहां तक इसमें प्लस नाइन करो, हाँ जी बताएं जी बताएं। सेम एस सोर्स जीरो जीरो, बिल्कुल वही, बेसिकली वी जीरो जीरो से लेकर वी, हाँ जी बताएं थ्री थ्री तक, ठीक है, वी जीरो जीरो से लेकर वी, हाँ जी बताएं थ्री फोर तक, फिर वी जीरो जीरो से लेकर वी फोर थ्री तक, ठीक है, डज इट मेक सेंस। और ऑफ कोर्स ये रिकर्जन है, व्हाई इट इज अ रिकर्जन कॉल, बीएफएस टाइप हो रही है, बीएफएस तो नहीं है, ये रिकर्जन कॉल हो रही है, फिर ये तीन को दोबारा कॉल करेगी, ये तीन को दोबारा कॉल, ये बहुत बड़ी रिकर्जन एक्चुअली, तकरीबन मेरा ख्याल ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बन जाती है वो तकरीबन 3 to the power n बन जाती है, ठीक है, ट्राई टू डू दैट, अगर आप इसको रिकर्सिव कोड कर देंगे ना तो तकरीबन 3 to the power n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा मैं एक और आपको मजे की बात बताता हूं, बेस ऑफ कोर्स जब आप रिकर्जन लिखते हैं तो आप बेस केस लिखते हैं, बेस केस में ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे हूं इस वर्टेक्स पे हूं तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए भी तीन रिकर्सन कॉल होंगी, कितनी कॉल होंगी, एक होगी सर, एक होगी जो लेफ्ट वाली होगी इस, और इसके लिए भी एक होगी, इसके लिए भी एक होगी, इसके लिए भी एक होगी, राइट, व्हाट अबाउट दिस, इसके लिए भी एक ही होगी, इसके लिए भी एक होगी, इसके लिए भी एक होगी, इसके लिए भी एक होगी, इसके लिए एक्चुअली इसका डिस्टेंस तो बड़ा हार्ड कोडेड है, कैसे इसका डिस्टेंस हमें पता है कितना, अगर मैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं उसका डिस्टेंस कितना होगा, वन ही होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, हाँ जी थ्री हो जाएगा, और फिर एट और इससे कितना हो जाएगा, इलेवन, हाँ जी इससे कितना हो जाएगा, टू, इससे कितना हो जाएगा, टेन, इससे कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, इससे कितना हो जाएगा, नाइनटीन, एक्चुअली शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट हो ये तो निकलना ही निकलना, ठीक है ना, और अब बेसिकली ये सारे इसके बेस केस, तो बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो बड़ा सिंपल से कर सकते हैं कि इसके लिए आप एक लूप लगाएंगे और आप ये कहेंगे कि फॉर लूप आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, इसमें क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं कॉलम ले देता हूं और ये हो जाएगा आई प्लस प्लस, और यहां पर आ जाएगा कि डिस्टेंस लॉन्ग, अगर मैं लॉन्गेस्ट निकालता हूं
तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, एक ही बात है यहाँ पर। इस केस में तो बड़ा सिंपल था कि आई की वैल्यू मैं वन से शुरू करूंगा और मैं कहूंगा वन आई इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो आई माइनस वन है प्लस ये जो भी एज बनती है बिटवीन, क्या सो एज यानी डब्ल्यू किन दोनों के दरमियान में एज। हाँ जी, और बाय द वे यहाँ पर बेसिकली ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये और कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर है ना, सॉरी एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ, इरेजर एक मिनट सॉरी। ओके, टू डायमेंशन आ रहे हैं ना, तो मुझे सिंगल डायमेंशन तो नहीं दे सकता मैं, और यहाँ पर भी मैं इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा टेन, तो यहाँ हो जाएगा जी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जीरो आई, और यहाँ हो जाएगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, हाँ जी कौन सी हो जाएगा जीरो आई माइनस वन। और हमें ये पता है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जीरो जीरो जो है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू वन से मैंने शुरू किया और आगे चलता गया, ठीक है, डज इट मेक सेंस। और यहाँ पे वेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ आ जाएगा आई यानी जीरो आई माइनस वन से कहाँ जा रहा हूं मैं, जीरो आई पे मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो भी वेट बनता है यानी ये वाली जो एज का वेट है ये आप इसमें डाल दें, ठीक है। और सिमिलरली एक लूप और होगा, वो लूप क्या होगा, जे इज इक्वल टू वन से शुरू होगा, जे इज लेस देन नंबर ऑफ रोज आएगा, और ये क्या हो जाएगा जे प्लस प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा बताए मुझे एल डी, हाँ जी इसमें क्या चीज चेंज होनी है, जे जीरो, वेरी गुड। तो जे, तो बेसिकली जे का मतलब रो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली जे आ जाएगा, ये कॉलम्स का जीरो रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा एल डी, ठीक है, जे माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो प्लस वो जो भी वेट बनता है इसके कोरिस्पॉन्डिंग, ये आप यहाँ लिखते, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। ये आप अच्छी तरह हाँ जी, सो सबको समझ में आ गया ये सारी चीज, ठीक है जी सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने काम किया है, ये मैंने ना पहले तो रिकरेंस लिखी है, रिकरेंस में तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कितनी देर लग रही है, बहुत ज्यादा देर लग रही है, हर एक के ऊपर तीन तीन रिकर्सिव कॉल जा रही है, और अगर आप इसका रिकर्जन ट्री बनाएंगे तो बहुत बुरा ट्री बनेगा, बहुत बड़ा ट्री बनेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें रिकर्सिव कॉल बार बार कंप्यूट हो रही होती है। तो देखो ना, टी का कंप्यूट करने के लिए, देख रहे हैं ये टी का कंप्यूट करने के लिए मुझे इसका आंसर चाहिए, चाहिए ना, लेकिन फोर थ्री का कंप्यूट करने के लिए भी मुझे ये आंसर चाहिए,
है ना, ये बात समझ आ रहे हैं? और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो बहुत दफा कंप्यूट होगा, सेम चीज बार बार कंप्यूट हो जाएगी। तो टी का कंप्यूटेशन करने के लिए ये चीज चाहिए, है ना। फिर देखो इसके लिए ये मुझे यहां से भी कॉल जाएगी, 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 हर जगह से इसके लिए कॉल जानी है इस पूरे पोर्शन। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे मेरी रिकर्सिव कॉल बढ़ती जाएगी, मेरे जो नोड्स हैं वो बहुत ज्यादा दफा कॉल हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सॉल्यूशन इज कि मैं क्या करता हूँ, जिसका डिस्टेंस एक दफा कंप्यूट हो जाए फिर इसे दोबारा कंप्यूट मत करूँ, ठीक है। तो एक अप्रोच ये है कि मैं यहीं से रिकर्सिव से पीछे आता जाता। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं तो बेसिकली जो रिकर्सन लिखी है ये कौन किस तरह चलेगी, ये टॉप डाउन होगी या बॉटम अप होगी, ये कौन सी अप्रोच है? टॉप डाउन, बॉटम, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच है। अल्दो के ग्राफ में लगती है कि बॉटम अप है लेकिन बेसिकली वो ये यहाँ से यूं, तो बेसिकली सॉल्यूशन से चीज जा रहा है, बेसिकली जो हमारा टारगेट है उसके कंप्यूट करने के लिए। तो बेसिकली टारगेट मेरा टॉप पर होता है, यानी ये 2, 3, 4, 4 और इससे रिकर्जन कॉल जा रही होती है, तो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे ये कि हम कहेंगे भाई 4, 4 बाद में गया, मैं क्या करता हूँ मैं इसको बॉटम अप अप्रोच लेके चलता हूँ। और बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि मैं बेस केसेस से शुरू करूंगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये टेबल मैं फिल कर लूंगा, यानी पहली रो का आंसर मैंने फिल कर लिया, इसी तरह मैंने पहले कॉलम का आंसर भी फिल कर लिया, ये पहले कॉलम का आंसर भी मैंने फिल कर लिया। अच्छा अब मैं इसका पता कैसे कंप्यूट करूंगा, मुझे क्या रिकर्जन कॉल करने की जरूरत है? क्या मुझे रिकर्जन कॉल कर नहीं है जरूरत, कैसे करेंगे बताएं मुझे? उसके पिछले नेबर्स, एक मिनट जी, मैं थोड़ा सा एक गलती हो गई है, मैं थोड़ा इरेज कर दूं। अच्छा सो लुक एट दिस जी, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सो लेट मी मेक इट ग्रीन जी। हाँ जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो बताएं इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 0। हाँ जी बताएं, ये एक ऑप्शन है 0 + 4 कितना बन गया? 4 ही बनेगा। हाँ जी, 1 + 8 कितना हो गया? 9। और एक है 2 + 1 ये कितना हो गया? 3। तो विच आंसर आई शुड चूज? 9 वाला। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। और एक और काम करेंगे, मैं इसका पेरेंट याद रखूंगा, और वो पेरेंट होगा कि बेसिकली जी मैं यहाँ से आया, ठीक है। ये ग्रीन कलर ठीक है या कुछ और रेड कलर कर दूंगा? कितने गया रेड, रेड, ठीक है। तो जी इसका आंसर है जी 9, ठीक है। और ये इसने पेरेंट भी सेव कर दिया, ठीक है। Does it make sense? अच्छा जी, अब मैं ये निकालूंगा, ये कैसे निकालेगा, निकलेगा? अब देखो मजेदार बात क्या है, इसके निकालने के लिए वो इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट, तीनों निकाले जा चुके। तो जी बताएं कैसे करूंगा? ये 3 + 7 कितना होता है? 10। 10। 1 + 4 कितना होता है? 5। और ये 9 + 6 कितना होगा? 15। और इसका पेरेंट मैं याद रखूंगा, भाई ये पेरेंट था इसका, ठीक है। आगे आ जाए, इधर क्या हुआ? 8 + 5 13 हो गया, और 15 + 8 कितना हो गया? 23। और ये कितना हुआ? 3 + 4 = 7, तो कितना आंसर आना चाहिए? 23 आंसर आना चाहिए। और ये सेव कर लेगा भी मैं यहां से आया था, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाए? 11 + 1 = 12 है, और ये 23 + 9 है, और ये 8 + 4 है। तो विच वन आई शुड चूज? 33 + 9 32। और ये इसका पेरेंट याद, ये बात समझ आएगी। अब मजेदार बात, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, और इस पे डिपेंडेंट है, तीनों निकाल चुके हैं हम, तो क्या आंसर आएगा? ये है 10 + 5 और ये है 9 + 3, कौन सा आंसर आना चाहिए? 10 + 5। तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 15 ये जिससे याद रखें, ठीक है। आगे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ये 15 + 4 और ये 15 + 9, क्या आंसर आना चाहिए? और ये 9 + 9 तो आंसर क्या आना चाहिए? 24। और ये पाथ याद रखें, ठीक है। इधर आ जाए, इधर क्या आएगा आंसर?
23 जमा 8 है और ये 3 है, क्या होना चाहिए? 23 प्लस 8, 23 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 31 और ये यार नीदर आ जाए, 32 प्लस 3 है और 31 प्लस 7 है, कितना आंसर आना चाहिए? 38 आना चाहिए, ठीक है? और ये पैरेट यार इधर आ गए, इधर क्या होगा बताएं जी, क्या होगा? इक्वल ही है दोनों, कौन सा मर्जी ले रहे हैं? जो मर्जी ले, 15 ये दोनों में से जो मर्जी ले ले, ठीक है ना? तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैं लेट से ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा 15 प्लस 17, इसका क्या होगा? 24 जमा 5, ठीक है? तो मैं ये वाला यार 5 लेता हूँ, तो 24 जमा 5, ये बेसिकली रेड क्या है, ये पेरेंट्स याद किए हैं उससे, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा 24 जमा 5, ये हो जाएगा 29, और ये क्या हो जाएगा 31 जमा 6, दैट इज इक्वल टू 37, ये क्या हो जाएगा जी 38 प्लस 2 और 37 प्लस 3, तो जो मर्जी याद रख ले, क्या याद रख लेते हैं हम? ये वाला याद रख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 40, इधर आ जाओ 19 जमा 3 है, 17 जमा 6 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? एक ही बात है ना? यस सर, नहीं एक ही बात नहीं, एक ही बात नहीं, ये बता है ना, ये 22 है, ये 23 है, तो ये बना देगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 23। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ऑफ कोर्स 29 जमा 2 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जी, ये 37 है और ये है, और लेट्स से इसकी इस वाले की वैल्यू मैं 30 कर देता हूँ। अब क्या होना चाहिए बात, अब कौन सा बात होना चाहिए? डायगोनल वाला 29 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 59, ठीक है? और अब जी इसमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट होगी जी? ऑफ कोर्स 59 प्लस 9 सेलेक्ट होगी, ठीक है? तो यह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 68, ठीक है? अच्छा आप मेरी बात सुनो, मैं सोर्स पे पहुंच गया हूँ, मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, इसका मैंने डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालूंगा? एक्चुअल मैंने पाथ कौन सा फॉलो किया, मैं कैसे निकालू? हाँ जी बताएं, पेरेंट देखेंगे, ठीक है? इसका पेरेंट, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट और इसका पेरेंट, ठीक है? इसका पेरेंट ऑफकोर्स, इन सबके पेरेंट तो यही है, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? यस सर। तो आप आराम से पाथ निकाल सकते हैं। डज इट मेक सेंस? जी सर, डज इट मेक सेंस, ठीक है? ये जो तुमने अभी हमने किया ना, ये जो ग्रिड लॉन्गेस्ट पाथ पे निकल आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे निकल आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे कैसे निकलेगा? द ओनली चेंज विल बी कि यहाँ पर हम मिक्स मैक्स की जगह क्या कर देंगे, मिनिमम, मिनिमम कर देंगे, ठीक है? तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अच्छा एक तो ना सारा और शुजा एक क्विज बना दे, ये मैं ये अपनी ना मैं वो सेव कर रहा हूँ, ये मैं ये यही एग्जांपल, इसमें इसने लॉन्गेस्ट पाथ निकाला हुआ है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकाले, ठीक है? ठीक है, कौन सा पाथ निकाले? शॉर्टेस्ट पाथ निकाले, ठीक है? तो यही तस्वीर होगी, ये तस्वीर आपको अपलोड हो जाएगी, इसकी तस्वीर बेशक उसमें डाउनलोड करके इसका ये ऊपर वाला डिलीट कर दीजिएगा और इसी तस्वीर को दोबारा बनाएगा, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा। ये आपका क्विज है, ये आप आज रात तक जमा करा दीजिएगा, ठीक है? इसमें कोई पिक्चर भी बनाना है? हाँ तस्वीर पे बनाना है, तस्वीर बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो बता दें, एवरीथिंग इज क्लियर। क्विज के लिए आप शॉर्टेस्ट पाथ कह रहे हैं? शॉर्टेस्ट पाथ, इसी एग्जांपल के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकाल, ठीक है? ठीक है, और इन्होंने कोड लिखना है उसका, टॉप डाउन अप्रोच, नहीं टॉप डाउन अप्रोच, बॉट, अच्छा ये बॉटम अप अप्रोच भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। बाय द वे, अब जो ये एल्गोरिथम हमने किया है, जो अभी हमने सेल किया, यहां से जो ऊपर फिलिंग कर रहा है, ये कौन सी अप्रोच थी? ये जो यू यू फिल करता जा रहा है, ये कौन सी अप्रोच थी? ये बॉटम अप थी, ये बॉटम अप अप्रोच थी। और मजेदार बात, बॉटम अप अप्रोच में हम सिर्फ टेबल लुकअप कर रहे हैं, कितनी देर में इसने आंसर निकाल दिया? V plus E तो है ही नहीं, क्योंकि बेसिकली वो तो सिर्फ तीन एजेस है ना हर एक की, तो कांस्टेंट एजेस हो जाएंगे, तो कितनी देर में निकाल लिया इसने आंसर V of, अगर ये n by n का ग्रिड है,
सो फार सो गुड, एवरीबडी इज विद मी, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है. अच्छा अब मैं आपको रियलिटी में प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो बेसिकली यही प्रॉब्लम है, ठीक है. एंड आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट ए वेरी जनरलाइज्ड प्रॉब्लम, ठीक है. और हम जो रिकरेंस, अच्छा बाय द वे एक छोटी सी बात, आई थिंक मुझे यहाँ पर मैं एक नई स्लाइड कैसे ऐड कर सकता हूँ सारा. आपको एंड शो करना पड़ेगा, मतलब अगर आगे स्लाइड्स नहीं है. हाँ ये अगर आप बॉटम अप स्क्रीन देखें तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो याद है वो जो फॉर लूप बनता है, यहाँ पे आप एक फॉर लूप लिखते हैं, एक आई और लूप लिखते हैं, जे के लिए लूप लगाते हैं, और बेसिकली आप कंप्यूट क्या कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आई जे कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है ना. तो बेसिकली आई जे कैसे कंप्यूट होता है, आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कहते हैं क्या, आई माइनस वन जे माइनस वन, ठीक है, और फिर longest distance i minus 1 j, और फिर हो जाएगा longest distance i j minus 1, ठीक है ना. इसमें से हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर हम अगर लॉन्गेस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, वेट ऑफ, हाँ जी कहाँ से कहाँ तक जाना है मैंने बता दो, i minus 1 j minus 1 से कहाँ पर जा रहे हैं, आई जे पे जा रहे हैं. ये बात समझ गए, हेलो आवाज आ रही है सर? ये बात समझ नहीं आई. क्या क्या समझ नहीं आई? ये आई माइनस वन वेट वाली जो लिखी आपने यार, वो वेट नहीं ऐड कर, ऐड करते हैं वेट नहीं, हम देखते हैं ये वाला वेट ऐड नहीं करते हम. यस सर, ये वही वाला वेट है ये. ओहो अब वो गई स्लाइड गई, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, सही हो गया, ठीक है, तुमने बिना सारा मामला खराब कर दिया, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, अब खैर वो आपको दोबारा नजर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है ना. तो हमने बेसिकली बॉटम अप, तो बॉटम अप रिकरेंस नहीं लिखी होती, बॉटम अप आपने सारे कंप्यूट करने हैं, तो बॉटम अप की आप एक जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं कि आई और जे की फॉर्म, ठीक है. अच्छा अब एक मैं आपके सामने प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, इंतहाई दिलचस्प प्रॉब्लम, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट दिस प्रॉब्लम विल बिकम, यू नो एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम है, दिस विल बिकम दिस प्रॉब्लम. I don't know, longest path होगा या shortest path होगा, I don't know. ठीक है? So problem क्या है? Problem बड़ा मज़े का है. तुम्हारे पास ना दो words दिए हैं. So this is word number one, and this is word number two. ठीक है? और आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि basically मैं इस word को किस तरह align करूं और कितने minimum number of updates करूं कि ये word इस word में convert हो जाए, नीचे वाले word में convert हो जाए. ये समझ में आई बात? एडिट डिस्टेंस का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहां पे कैसे मतलब क्या है कि अगर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर रहा हूं तो बेसिकली यहां मुझे क्या करना पड़ेगा. सो बेसिकली दो तीन ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट कैरेक्टर, डिलीट कैरेक्टर, और एक है मिसमैच, मिसमैच कैरेक्टर, ठीक है, और एक होता है मैच कैरेक्टर, ठीक है ना. आई थिंक ये मिसमैच और मैच एक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना. इसमें और कॉस्ट क्या होती है कि अगर मैच कर रहा है तो कॉस्ट होगी जीरो, अगर मिसमैच कर रहा है तो कॉस्ट होगी वन, डिलीट करना पड़ रहा है तो कॉस्ट होगी वन, और इंसर्ट करना पड़ रहा है तो भी कॉस्ट होगी वन, ठीक है, क्योंकि मिसमैच ही हो गया ना कनेक्ट, ठीक है ना. तो ये देखे जी, ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा, इसका कैरेक्टर इस कैरेक्टर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, तो इसकी कॉस्ट होगी जीरो. इसमें क्योंकि यहां पर एम्प्टी स्पेस थी, या तो बेसिकली मैं इसमें ये वाला कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा हूं,
तो क्या मतलब हुआ इसका, या मुझे यू ऐड करना पड़ेगा तो एक कॉस्ट हो जाएगी, और ये एन एन से मैच कर गया तो इसकी तो कॉस्ट होगी जीरो, ये इससे मैच नहीं किया तो बेसिकली मुझे मिस मैच करना पड़ा तो एक कॉस्ट आ गई, ये करना पड़ा क्या सर? सर इसके लिए जब हम जब मिस मैच कह रहे हैं तो उसमें डिलीट और इंसर्ट दोनों काम नहीं होंगे? हाँ, लेकिन इसको हम एक एक ही कॉस्ट कहते हैं, मिस मैच हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या, ये डब्ल्यू है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बेसिकली मुझे करेक्टर रिमूव करना पड़ेगा तो एक कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, और ये इससे मैच हो गया तो यहाँ से आ गया जीरो। तो कॉस्ट कितनी हुई इस पूरे के पूरे प्रोसेस की, इसमें अगर मैं इस तरह मैच करूँ कितनी टोटल कॉस्ट आई? तीन कॉस्ट आई, ठीक है, क्योंकि एक कॉस्ट इधर आई है, एक कॉस्ट इधर आई है, एक कॉस्ट इधर आई है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, या अगर मैं ऐसे मैच कर देता, ऐसे मैच करता, उसका मतलब क्या है, ये मुझे एस इधर इंसर्ट करना पड़ा, एक कॉस्ट आ गई, ये मिस मैच हो गया, एक कॉस्ट आ गई, ये एन एन से मैच हुआ, जीरो कॉस्ट आई, ये मुझे डिलीट करना पड़ा हो तो कॉस्ट आई वन, डब्ल्यू डिलीट करना पड़ा तो कॉस्ट आई वन, एन इंसर्ट करना पड़ा कॉस्ट आई वन, वाई वाई से मैच कर गया जीरो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट कितनी हुई? फाइव। आपने वो आंसर निकालना है जिसमें कॉस्ट मिनिमम, ठीक है, सो मिनिमम नंबर ऑफ एडिट्स नीडेड सो दैट वन वर्ड बिकम द सेकंड वर्ड। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी, आप बता सकते हैं इसकी एप्लीकेशन कहां पर है? आपके मोबाइल्स में? जी, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं पता है आपको? ऑटो करेक्ट? ना ना, हाँ ऑटो करेक्ट, यस यू आर राइट, स्पेल कर, स्पेल चेकर। तो बेसिकली उसके जो आप जो लिखते हैं वो ये वर्ड होता है, और यहां पर जो वर्ड्स पड़े होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं? डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं। तो जिसकी कॉस्ट मिनिमम आती है, तो तमाम वर्ड्स में से वो देखता है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम आती है वो वाला कहता है भाई ये वाला तेरा क्लोजेस्ट आंसर है। अगर वो वर्ड पहले ही डिक्शनरी में मौजूद है तो जान दो, अगर कॉस्ट जीरो आ जाए मतलब वो वर्ड डिक्शनरी का वर्ड है, लेकिन अगर कॉस्ट की वैल्यू कम से कम, अगर भाई वो देखता है कौन किसकी कॉस्ट मिनिमम है वो ऑप्शन में देता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या ट्राई स्ट्रक्चर से नहीं होता? ओ नहीं, तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो एडिट डिस्टेंस है, बहुत सारे तरीके हैं जो क्लोजेस्ट निकालना होता है, ठीक है। जो ट्राई स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालता है, लेकिन उसको भी मॉडिफाई करके निकाला जा सकता है कि यार थोड़ा पीछे आओ देखो भी कितने एरर को आ रहा है, ठीक है, तो ये निकालना है, ठीक है, एडिट डिस्टेंस। और पहला तो सवाल ये कि दो वर्ड्स के दरमियान में मिनिमम एडिट डिस्टेंस कितना बनता है ये निकालते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड नाउ लुक एट दिस। और मैं सबसे पहले आपके सामने एक रिकर्जन बनाऊंगा, और मैं टॉप डाउन नहीं बना रहा, मैं बॉटम अप ही बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पहले मैं इंस्टेंस को डिफाइन करता हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मेरा ये एक वर्ड है और मेरा ये एक वर्ड है, मैंने इन दोनों के दरमियान में टोटल आंसर निकालना है, ठीक है, लेकिन मैं टोटल आंसर नहीं निकाल रहा, मैं एक जनरलाइज आंसर निकाल रहा हूँ। और वो क्या है कि मैं ये निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं कहता हूँ ये इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि पहले वर्ड के मैंने कितने लेटर्स कंज्यूम कर लिए, पहले वर्ड के मैंने कितने लेटर्स कंज्यूम कर लिए। सो दिस इज माय डब्ल्यू वन एंड दिस इज माय डब्ल्यू टू, ठीक है। ई सेवन फाइव का मतलब है कि मैंने पहले वर्ड के 7 लेटर्स कंज्यूम कर लिए और दूसरे के कितने कंज्यूम कर लिए? 5 कंज्यूम कर लिए। ये मेरा सब प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एसेंशियली व्हाट विल बी माय ई आई जे मींस, कैन यू टेल मी दैट, कि पहले वर्ड के मैंने कितने कंज्यूम कर लिए और सेकंड वाले के मैंने कितने कंज्यूम कर लिए? पहले वर्ड के आई और सेकंड वर्ड के जे। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अच्छा अच्छा, अब एक और मजेदार बात, अगर मैं कहूं कि मैंने एडिट डिस्टेंस की कॉस्ट निकालनी है, अगर मुझे ये बताएं
ये किसके बराबर होगा? E 10 के. 10 का मतलब क्या है? कि पहले का मैंने एक कंज्यूम कर लिया और दूसरे का मैंने कोई भी कंज्यूम नहीं किया, तो कितनी कॉस्ट आएगी बता सकते हैं आप? जीरो नहीं, 1 आएगी ना, कंज्यूम कर लिया ना. ये देखें पीछे आई नहीं थी. दूसरे का मैंने पहले एक कंज्यूम कर लिया, एक इसका मैंने कंज्यूम नहीं किया, उसका मतलब क्या है? मिसमैच हुआ होगा, ऐड हुआ होगा या डिलीट हुआ होगा. डज इट मेक सेंस भाई? दूसरे लेटर का मैंने कोई लेटर लिया ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो पूरा का पूरा मिसमैच चल रहा है. यस सर. ठीक है ना. सो अगर मैं E10 कहूं तो 1 आएगा. कैन यू टेल मी E20? वाह जी वाह. E20 क्या आएगा? पहले वर्ड की कॉस्ट 2 है. हाँ जी, यानी पहले के दो लेटर्स मैंने कंज्यूम कर लिए, यानी मैंने मैच किया ही नहीं, तो मैं ऐसे रख रहा हूं कि ये EX हो गया और आगे मैं मैच करूंगा और पॉलिनोमियल में यहां रखना शुरू करूंगा. तो ये तो दोनों मिस मैच हो गए, तो कॉस्ट कितनी हो गई हुई है? 2 हो जाएगी. हाँ जी, कैन एनीबॉडी गेस E30 क्या होगा? बता दें भाई. कॉस्ट 3 होगी और मैंने दूसरा वर्ड अभी देखा ही नहीं. ठीक है, ठीक है, तो 3 कॉस्ट आ चुकी है. कैन यू गेस कि EI0 क्या हुआ? वाह जी वाह. आई हो जाएगी. कैन यू ऑल्सो गेस EJ0 क्या होगा? सॉरी J0 नहीं, सॉरी सर, चलो 0J क्या होगा? आई एम सॉरी जी. हाँ जी, पेन. हाँ जी, 0J क्या होगा? जी होगा. क्या बात है जी. ठीक है, दिस शुड रिंग द बेल इन दिस केस. यू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो आपका आंसर बस वही है. व्हेन यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो आपका आंसर जो कॉलम का आंसर है वही है. ठीक है, तो वही चीज हो रही है यहां पे. अच्छा जी, अब मैं EIJ के बारे में बात करता हूं. सो EIJ इज नथिंग बट कि अगर कोई तुम्हें सॉल्यूशन दे दे किसका, इन सब का, क्या EI-1J-1 का, या कोई तुम्हें सॉल्यूशन दे दे EI-J-1 का, या क्या कर दे I-1J का, इन तीनों के अगर कोई सॉल्यूशन तुम्हें दे देता है तो मैंने एडिट डिस्टेंस मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है? मिनिमाइज करना होता है. तो यहां पे आ जाएगा मिनिमाइज. और क्योंकि मैं ये डायगनली पीछे आया हूं तो अब बेसिकली दोनों यहां से मैंने यहां पहुंचना है. यहां से यहां पहुंचने का मतलब क्या है? दोनों का एक एक लेटर कंज्यूम हुआ है, तो या तो मैच होगा या मिस मैच होगा. यानी बेसिकली इस तरह की सिनेरियो होगा, या तो इस तरह का सिनेरियो होगा या इस तरह का सिनेरियो होगा. अगर इस तरह का सिनेरियो तो मुझे कॉस्ट कितनी ऐड करनी है? जीरो. अगर इस तरह का सिनेरियो तो मुझे क्या क्या ऐड करनी है? 1 ऐड करनी. सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ, और ये डिफरेंस बूलियन डिस्टेंस है. अगर अगर सेम होंगे तो 0 आएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो 1 आएगा. तो डिफरेंस ऑफ क्या WI यानी वर्ड आई की आका आयत करेक्टर, और ये आ जाएगा वर्ड, ये वर्ड 1 का आयत करेक्टर, और ये आ जाएगा वर्ड 2 का जीत करेक्टर. इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकाल. और यहां क्या आ जाएगा? +1. और ये क्या आ जाएगा? +1. क्या बात है. Why +1? क्योंकि बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इसका यहां से यहां पहुंचना. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहां से यहां पहुंचना है, और यहां से यहां पहुंचना है. यहां से यहां पहुंचने का मतलब क्या है? मैंने दूसरे वर्ड का एक लेटर कंज्यूम किया और मैं यहां पहुंच गया. ठीक है, क्योंकि ये पहले यहां पहुंच चुका हुआ है. और इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले लेटर का एक लेटर कंज्यूम किया, दूसरे लेटर के जितने थे उतने के उतने ही. Does it make sense? ठीक है. So look at this.
जी इस केस में क्या होना है, इस केस में एडिट डिस्टेंस वन होना है, इस केस में क्या होना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ब्लू कर लेते, इस केस में मुझे एडिट डिस्टेंस वन आना है, इस डिस्टेंस में मुझे एडिट डिस्टेंस फिर दोबारा से वन आना है। इसमें डिपेंड करता है कि ये दोनों मैच करते हैं या नहीं करते, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, सो ई आई जे इज नथिंग बट, ठीक है क्या, मिनिमम ऑफ वन प्लस ई आई माइनस वन जे, ठीक है, या वन प्लस ई आई जे माइनस वन, और ये क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है, और ये क्या हो जाएगा ई आई माइनस वन जे माइनस वन, इनमें से जो भी चीज है जो भी मिनिमम है वो मेरा आंसर होगा, ठीक, एंड आई एम डन, ठीक है। सो बेसिकली द आइडिया इज द फॉलोइंग, इट इज नथिंग बट द सेम प्रॉब्लम बट विद ए वेरी स्मॉल चेंज। असल में ये आपका सोर्स वर्टेक्स है जो जीरो पे खड़ा हुआ है, यहां पर आपने बेसिकली पहली स्ट्रिंग रख दी है और यहां पर आपने दूसरी स्ट्रिंग रख दी है। वाह जी वाह, क्या करेंगे हम, जितने भी हॉरिजेंटल्स हैं, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं उसका मतलब क्या है, कि मैंने इसका लेटर कंज्यूम किया या ऊपर वाली का लेटर कंज्यूम किया, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो, अगर मैं राइट साइड पे जाऊं तो उसका मतलब है मैंने एक लेटर का स्किप कर दिया, किसका स्किप किया है, सी का स्किप किया या ऊपर वाले का स्किप किया, ऊपर वाले का स्किप किया, ये बात समझ आएगी। और अगर मैं एक और आगे चला जाऊं तो देखें वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ये यहीं का यहीं खड़ा हुआ है, इसका मैंने एक और लेटर कंज्यूम कर दिया, ये बात समझ आई। सो कैन यू टेल मी कि जितने भी राइट जाएंगे वो राइट का मतलब क्या है, इन सब पे कॉस्ट क्या होगी, जितने भी राइट हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं उनके ऊपर कॉस्ट कितनी है, वन वन। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ जी, जितने भी नीचे आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि मैंने ये वाली कंज्यूम कर ली, इस पे भी क्या कॉस्ट होगी, वन 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 और ये वन, ठीक है। अच्छा, जितने भी डायगनल आ रहे हैं वो भी सारे के सारे वन होंगे क्योंकि वो मिसमैच है, दी ओनली थिंग विल बी कि जो मैच कर रहे हो, जैसे ये देखो ये सी है और ये सी है, इसके डायगनल की वैल्यू रेड की हुई है, इसमें कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी, और यहां पे कॉस्ट क्या होगी, जीरो। सो यू जस्ट मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन और इस सोर्स से लेकर इस डेस्टिनेशन तक क्या निकालू मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सर फराज, ये डायगनल वन कैसे, और ये आगे बेसिकली वन का मतलब है कि बेसिकली मैं ये वन का मतलब ये है कि बेसिकली ये सी था और ये ए था और ये मिसमैच कर रहे थे तो मैं यहां पर आ गया, ये बात समझ आ गई। यानी मैंने वन यहां, ये वन वन है ना, वन वन का मतलब क्या है कि मैंने पहले का भी एक लेटर कंज्यूम कर लिया, दूसरे का भी एक लेटर कंज्यूम कर लिया। अब दो तरीके हैं कंज्यूम करने के, या तो मैं यहां से यहां पर आता, ठीक है ना, तो ये दो दफा एडिटिंग करनी पड़ती, या एक तरीका ये है कि मैं पहले क्या करता, मैं डायरेक्टली यहां से यहां आ जाता, ऑफ कोर्स मैं ये वाली कंज्यूम करूंगा कि दोनों के एक लेटर मैंने कंज्यूम कर, ठीक है। बेसिकली नाउ द ओनली प्रॉब्लम लेफ्ट इज कि बेसिकली इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक क्या निकालें, क्या निकालना, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या, हाँ वेरी गुड, बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस पाथ निकालो, दैट्स इट। सो दैट्स इट, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम इज नथिंग बट ए फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन डैग ग्रिड, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन अब ये तो मैं सब समझ आना चाहिए कि ये डैग बन रहा है, लेकिन असल में कभी भी हम डैग नहीं बनाते, ठीक है। ये डैग आपको कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए, लेकिन असल में सिर्फ वो इंडेक्सिंग होती है, और मैं अभी दिखाता हूं आपको एक और इंस्टेंस है जिसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम यह है कि मैंने, मेरा अब डिस्टेंस एडिटिंग का नहीं है, मेरा अब यह कि मैंने ऐसा लॉन्गेस्ट रीजन निकालना है जो कि कॉमन हो और वो कंटिगुअस नहीं है लाजमी। सो फॉर एग्जांपल मैंने, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी एक सीक्वेंस दी हुई है यहाँ पे,
ए जी टी सी दी हुई है और एक दी हुई है जी टी सी पी, तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सी कॉमन बनती है, क्या बनती है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस? जी टी सी, ठीक है ना, ये कॉमन बनती है, ये तीन लेटर्स जो है उसमें कॉमन बनते हैं, जी टी सी लेट से, फिर आगे होता क्यू और फिर होता आर, और यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल जी सी टी जी सी आर जी टी सी आर। अब बताओ क्या कॉमन बनती है, आप क्या कॉमन बनती है, आप क्या बनती है, ये पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर मौजूद है, कंटिन्यूस होना जरूर नहीं है, ये बात समझ में आ गई। दैट्स अनदर प्रॉब्लम जो कि ना आम बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे कहते हैं जीन मैचिंग प्रॉब्लम। बेसिकली दो स्पीशीज के दरमियान में अगर जीन मैच करना हो, आप इवन कहते हैं आप किसी के जो टेस्टिंग करते हैं, वायरस डिटेक्ट करना हो, वो भी इसको इसी तरह से डिटेक्ट किया जाता है। बेसिकली होता यह है कि आप जिसको जो इफेक्टिव होता है उसको यहाँ रखा जाता है, और जिसका हमें डीएनए पता लग चुका हुआ है इस वायरस का, उसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि इसका मैच आ रहा है। अगर वो मैक्सिमम मैच आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैच आ रहा है, ओके, इसके लिए वायरस जो है वो साथ साथ अपनी म्यूटेशन भी कर रहा होता है, तो वो कहते हैं अगर वो मैक्सिमम मैच आ गया, 90% ज्यादा मैच आ गया, तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है कि जी 90% चांस ये है कि ये बेसिकली ये इसी वायरस से इंफेक्टेड है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो बेसिकली जिन दो डीएनएस को हमने मैच करना होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पर पहला रखते हैं, यहाँ पर दूसरा रखते हैं, और कहते हैं हाँ भी इन दोनों के दरमियान में लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकाल। अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस जो निकल आए, वो फॉर एग्जांपल वो अगर 90% निकल आती, तो हम कहते हैं तकरीबन 90% तो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी और बंदर का जो है वो 99% सेम। ठीक है ना, ये जीन मैच, जीन इज द बेसिकली द, आप समझ लें एक ऐसी लीडर है जिसको दे, बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बेसिकली तमाम चीज चल रही होती है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी। सो ये जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस है, उसमें हम सिंपल सा काम करेंगे। अब अगेन ये भी सेम ही प्रॉब्लम बनेगा। सो लॉन्गेस्ट ये इसने सीक्वेंस निकाला है, तो हमने यहाँ पर अब हमने पहले मिनिमाइज कर रहे थे, हम मैक्सिमाइज करेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम मैचिंग निकाली। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा बताओ, अब अगेन बताओ, अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो क्या मैचिंग हो रही है? अगर मैं सीधे सीधे चलना शुरू कर दूँ तो मैचिंग हो रही है? अगर मैं सीधे सीधे जाना शुरू कर दूं तो मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही बिल्कुल। तो हम ना इसकी कॉस्ट क्या रखें, क्योंकि मैचिंग तो हो नहीं रही, तो मैंने तो मैचिंग निकाल दी है, तो मैं तो मैचिंग काउंट निकालना है, तो क्या रखूंगा इसकी कॉस्ट? तो जितने भी हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं ना, इनको मैं 0-0 वेट दे देता हूँ, और सिमिलरली जितने भी वर्टिकली नीचे आ रहे हैं उनको मैं क्या वेट दे दूं? 0-0, क्योंकि वो भी मैच नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और जितने भी डायगनली हैं वो मिस मैच अगर कर रहे हैं तो 0 होगा, लेकिन ये सी सी से मैच कर रहा है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा क्या? 1। ये जो एज का वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ये भी एज का वेट हो जाएगा 1, ये सी से मैच। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये हम क्या निकालेंगे क्या, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज करना है मैचिंग को, तो मैं इस एस से इस टी तक क्या निकाल रहा हूं? मैक्सिमम मैचिंग निकालनी है, तो मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा जिसमें ये रेड वाले मैक्सिमम आए, क्योंकि वो मैच कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं मुझे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा या मैक्स या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट निकालना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट ए लॉन्गेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। ठीक है, और इसकी भी रिकरेंस बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे पहले बनी थी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगी, ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्विज के तीन पार्ट्स हैं, एक एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम है, एक लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम है, और एक आपका आपका जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। लॉन्गेस्ट पाथ तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल लेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, ये देखिए, ये एडिट डिस्टेंस की जो ट्राइंगल ये बनती है कि बेसिकली मैं यहाँ पे फिलिंग करता हूँ, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये देख रहे हो, ये फिल क्या हुआ है, क्योंकि मैं इधर हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 0-1-2, यानी बेसिकली मैंने क्रूसी कंज्यूम ही नहीं की, तो 0-1-2 से लेकर यहाँ क्या आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। इसको फिल करेंगे तो क्या आएगा, वर्टिकली फिल करेंगे तो क्या आएगा, वो भी यही आएगा। ठीक है,
और अब जब मैंने ये वाली वैल्यू कंप्यूट कर दी है तो वो होगा यहां से यहां पर आया यानी टू, यहां से यहां पर आया टू, या यहां से यहां पर आया और पहला पहला लेटर मैच किया, ठीक है ना। तो ये जीरो है, जीरो प्लस, और पहला लेटर जो इसका है वो क्या है, ई है और इसका पी है। तो ई और पी क्या है, मैच करते हैं नहीं करते, ई और पी मैच करते हैं नहीं करते, मिस मैच। तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और ऑफकोर्स ये सारे उससे आगे चल जाएंगे, तो टू थ्री फोर फाइव से लेकर यहाँ पे ये टेन तक आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, यहीं से आगे चल जाओ, ठीक है, डज इट मेक सेंस, आगे आ जाओ। ये एक्स है, तो ये भी ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये एक्स जो है उसका मतलब क्या है, इसका मैंने एक लेटर कंज्यूम किया, इसके दो लेटर कंज्यूम किए, तो वो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, तो ये वन प्लस टू आ जाएगा। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से थ्री हो रहा है तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ वो ये वाला पाथ ले लेगा, या ये भी पाथ ले सकता है, ठीक है, जो मर्जी ले ले। तो ये इस तरह की चीज़ हो जाएगी, डज इट मेक सेंस। और ये फिलिंग कैसे हो रही है ये आपने खुद देख ली, ये बिल्कुल वही मैच ही हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ इसको मैं देखू ना, इस एंट्री को और इस एंट्री को देखो, इस एंट्री तो देखें ये क्या कर रहा है, यहां से यहां पर आए तो सिक्स प्लस वन सेवन बनता है, यहां से यहां पर आए तो फाइव प्लस वन सिक्स बनता है, लेकिन यहां से यहां पर आए तो ये क्या है, ये भी ओ है, ये भी ओ है, तो फाइव प्लस ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मैच करते हैं। अब बताओ एज जो है उसने डाली ही नहीं डाली, द एज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जस्ट क्या, जो वर्ड वन है उसकी आईथ वैल्यू, if is that is equal to double equal to w2 क्या jth वैल्यू, अगर इसके इक्वल है तो बेसिकली उसमें वो प्लस इक्वल टू जीरो करेगा, और वरना जो है वो प्लस इक्वल टू वन करेगा elsewhere, ठीक है। अगर वो मिसमैच कर रहे हैं तो प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। और बेसिकली आमतौर पे ये भी होता है कि साथ वो ना ये भी याद रखता है कि ये जो डिस्टेंस है मैंने कहाँ से निकाला, अप होगा लेफ्ट होगा ये क्या होगा, तो हर एक के ऊपर ना ये तीन तीन में से कोई एक चीज सेव करता है, ये वाला एरो या ये वाला एरो, एज ए पैरेंट के तौर पर। जब उसको ये मिलेगा तो उसका मतलब क्या है कि मैच हुआ था, ये मिला है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक डिलीट करके आया, ऊपर वाला कैरेक्टर एक यानी ये लेफ्ट वाले का एक कैरेक्टर डिलीट किया, यहां से अगर वो आया तो उसका मतलब मैंने ऊपर हॉरिजॉन्टल पे पड़ा हुआ है उसका एक कैरेक्टर डिलीट किया, ठीक है। तो ये पाथ है जो उसका ये बनता है, ठीक है, ठीक है। और आपने ऑफ कोर्स वैल्यूज लिखनी है, तो यहाँ पर तो इसमें ऑफ कोर्स पाथ तो यही वाला निकलेगा, लेकिन उसमें वैल्यूज पड़ी होंगी कि कितना डिस्टेंस निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज डीपीवी में सॉल्यूशन मिला हुआ है, ये डीपीवी का सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं कि ई आई जीरो इज इक्वल टू आई के बराबर, ई जीरो जे के बराबर है जे के बराबर, और फिर ये बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर गो थ्रू कर रहा है, और ये सॉल्यूशन है। आई थिंक ये डीपीवी का नहीं है, सीएलआरएस का, सीएलआरएस का, ठीक है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर ये अगर आई जीरो ये बेस केस है, अगर आई माइनस वन जे माइनस वन आ रहे हैं, प्लस वन होगा अगर वो मैच कर रहा है, और अगर वो मैच नहीं कर रहा तो वो क्या होगा, तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होता है वो ले लेता है, ठीक है। तो वो ये बन जाती है, ये देख लीजिएगा, ये वही रिकरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर वो उसने आंसर सेविंग की हुई है कि अगर वो डायगनली मैच करके आ रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस में, तो वो यहाँ पर एरो सेव कर देगा, और अगर इधर से आ रहा है तो ये वाला कर लेगा या इधर से ये वाला कर लेगा, ठीक है। तो ये उसने बेसिकली बुक कीपिंग की हुई है, कौन सी वाली क्या की हुई है, बी में उसने बेसिकली आंसर सेविंग की हुई है, तो वो कैरेक्टर याद रखता, वो पेरेंट नहीं होता, वो पेरेंट्स ने याद रखा, ठीक है। सो दैट्स इट, सो बेसिकली ये सी के ऊपर स्नैपशॉट बना दिया, ये जो एरोज जो बनाए, ठीक है। तो एरोस को फॉलो करते हुए आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं, ठीक होगी बात। ये वही काम किया हुआ इसने कि ये एम का लूप लगाया, एन का लूप लगाया, पहले स्ट्रिंग की लेंथ एम है, एन है, उसको उसने जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस के अंदर जो ये होते हैं वो जीरो जीरो के बराबर होते हैं, ये भी जीरो जीरो के बराबर होते हैं, और जो डायगनल होते हैं वो जीरो या वन के बराबर होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो मैच कर रहा है या मिस मैच कर रहा है, ठीक है, ठीक होगी बात। तो ये हमने प्रॉब्लम दोनों खत्म कर दी, ठीक है। अगला प्रॉब्लम नॉट सेक है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्विज का बता दें सर, क्विज क्या है, क्विज में बता देता हूँ आपको, निम्रा इसकी स्नैपशॉट लेके डाल दीजिएगा। सो बेसिकली आपने तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने, ठीक है। एक किधर है पेन येलो, सो एक है जी शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट करना है आपने उस एग्जांपल में, ठीक है, उसी एग्जांपल में डैग की डैग ग्रिड ग्रिड डैग व्हाटएवर, ठीक है। फिर जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने बेसिकली एडिट डिस्टेंस वाला फिल करना है, एडिट डिस्टेंस को भी डैग की फॉर्म में करना है। और फिर थर्ड है कि आपने जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसको भी डैग के साथ सॉल्व करना, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और वो जो आगे बॉटम अप अप्रोच से सॉल्यूशन किया हुआ है वो आप बेशक बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, वो अगली असाइनमेंट में आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने करना है, ये पीडीएफ, ये जो पावर पॉइंट स्लाइड है ये मैं आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू जी, चलें जी, सी यू। आई एम जी, कोई सवाल है? लेक्चर भी साथ ही दे दीजिएगा। क्या लेक्चर साथ दीजिए? मैं कह रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्डिंग भी फिर साथ दे दीजिएगा सारा, प्लीज लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है ना उसकी वो आप फॉरन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सारा यू है? सारा जी मैं अभी इधर ही हूँ, लिंक इनके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। लिंक अभी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।